गुरु तत्व को कैसे प्रणाम करते हैं वो ये मंत्र सिखाता है। ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर ऊन मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम पढ़ते हैं इसको तेजी से तो पढ़ते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यदि हम इसको तोड़ तोड़ के शब्दों को समझ समझ के पढ़ेंगे और याद करेंगे तो ऐसे समझना होगा, ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ठीक है, अर्थ है मैं अपने गुरुदेव को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने ज्ञान के प्रखर प्रकाश से मेरी उन आँखों को खोल दिया है जो अज्ञान के अंधकार से अंधी हुई थी। ठीक है, अब शब्दार्थ बुक में नहीं है परंतु मुझे जितना ज्ञान है मैं आपको बता रही हूँ। ओम तो हम प्रणाम करते हैं जब ये ओम शब्द परमात्मा के लिए आता है। यहाँ पे ओम है जो मंत्र की शुरुआत है। ये वैदिक मंत्रों में काफ़ी मंत्रों में ओम आता है। अज्ञान यानी अज्ञान, ज्ञान का नहीं होना अज्ञान। तिमिर अर्थात अंधकार अंधेरा, अंधस्य अंधा हो जाना, अंधा आंखें अंधी हो गई हैं। ठीक है, तिमिर अंधस्य अर्थात अंधकार के कारण आंखें अंधी हो गई हैं। यहाँ पे जो अंधकार है ये अज्ञानता वाला अंधकार है, तो दोनों बात हम इसके ऊपर लागू कर सकते हैं। तो हमारा जो हमारी अज्ञानता है उस अज्ञानता के कारण हम गहरे अंधकार में हैं और हमारी आँखें पूरी तरह से अंधी हो गई हैं, वो कुछ देख नहीं पा रही हैं। पर ये जो म्यूट करिए, प्लीज़ म्यूट करिए तुलसी प्रभु, ऑफ करिए। हाँ, अज्ञानता के कारण हमारी आँखें अंधी हो गई हैं, तो जब आँखें अंधी होती हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता है। पर यहाँ पर हमारे शरीर का फिजिकल अंधापन नहीं बताया जा रहा है, अर्थात जब हमारी आंखें नहीं होती हैं शरीर में तो हम अंधे कहे जाते हैं, पर आंखें होती है तो अंधे नहीं कहे जाते हैं। परंतु ये कौन सी आंखें हैं? ये वो आंखें हैं जो जिनसे हम चीज़ों को समझते हैं, अर्थात ज्ञान रूपी आंखें। और ज्ञान रूपी आंखें अगर हमारे पास नहीं है तो हम अज्ञानता के अंधेरे में हैं, अर्थात ज्ञान नहीं है अर्थात अज्ञानता से डूबे हुए हैं। जब किसी व्यक्ति को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, अर्थात वो क्या है, बिल्कुल अंधा है। जैसे अंधे व्यक्ति को क्या रखा है इस रूम में पता नहीं चलेगा, कुर्सी है, टेबल है, टीवी है, फ्रिज है, फ्लोर कैसा है, कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि वो अंधा है, पर आंखें रहेंगी तो देख सकता है। इसी प्रकार यदि हमें ज्ञान नहीं है तो हमारे सामने जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, भगवान है, परमात्मा है, जीवात्मा है, प्रकृति है, पुरुष है, काल है, जन्म है, मृत्यु है, सुख है, दुख है, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो ज्ञान नहीं होने का मतलब है हम अंधेरे में हैं, हम अज्ञानता के कारण अंधे हो गए हैं। थोड़ा सा
ये जो उपमा होता है ये लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको थोड़ा बड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे आंखें नहीं होने के कारण सामने की कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है, वैसे ही ज्ञान नहीं होने के कारण सच पता नहीं चलता है। असत्य चीज़ सत्य दिखती है और सत्य चीज़ असत्य। जैसे भौतिक भोग विलास करना ये क्षणिक सुख देता है, ये हमें परमानेंट दिखाई दे रहा है और हम इसमें ही डूबे हुए हैं। और भगवान को जानना, आध्यात्मिकता को जानना, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना, ये असली सत्य है जिसको हम छोड़ दिए हैं, जिसके ऊपर हम कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये है जीवों की स्थिति। तो जीव क्या है? आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं, अज्ञानता के कारण अंधा कहा जा रहा है। अब आगे क्या होगा देखिए। ज्ञान अंजन शलाकिया। जो व्यक्ति अंधे होते हैं उनको कई बार कुछ दवाइयाँ या कुछ सुरमा वगैरह लगा करके उनकी आँखों को ठीक किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ ज्ञान अंजन शलाकिया यानी ज्ञान रूपी अंजन, अंजन का अर्थ होता है काजल, और काजल को लगाने के लिए, सुरमा को लगाने के लिए एक डंडी जैसा चीज आता है जिसको शलाका कहा जाता है, शलाका। तो आँखों में सुरमा शलाका के द्वारा लगाया जाता है, तो इसलिए हमारी अंधी आँखों में शलाका से काजल लगाया जा रहा है। और वो काजल क्या है? ज्ञान, ज्ञान रूपी काजल लगा रहे हैं हमारी अंधी आँखों को ठीक करने के लिए। कौन? गुरु, जो दूसरे लाइन में आएगा। तो इस लाइन का इतना अर्थ हुआ। दूसरा लाइन है चक्षुर ऊन मिलितम। चक्षु यानी आँखें, ये दो आँखें, ऊन मिलितम यानी उनको खोल देना, आँखों को खोल देना। किसने खोल दिया? गुरु। कैसे खोला? ज्ञान रूपी काजल लगाकर, ज्ञान रूपी काजल शलाका से लगाया हमारी दोनों आँखों पर जो अंधी थी, और उन्हें खोल दिया। चक्षुर ऊन मिलितम, ऐसे गुरु को, येन तस्मय, उनको जिन्होंने ये सब किया, श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे यानी गुरु, गुरवे एक गुरु नहीं सारे गुरु, और नमः यानी नमस्कार, ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं। तो गुरु ने क्या किया? हमारी आंखें अंधी थीं, पर वो अंधापन शारीरिक अंधापन नहीं था। शारीरिक अंधापन को डॉक्टर ठीक कर सकता है, परंतु आध्यात्मिक अंधापन को, अज्ञानता रूपी अंधेपन को ज्ञान देकर गुरु ठीक कर सकते हैं। जैसे सुरमा लगाकर, काजल लगाकर आँखों की रोशनी को बढ़ाया जाता है, आँखों को खोला जाता है, वैसे ही गुरु ज्ञान रूपी काजल हमारी दोनों आँखों पर लगाकर बंद आँखों को खोल देते हैं। ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं। अब ये समझना है कि जिस गुरु के पास हम जाते हैं, जिनको हम गुरु बनाते हैं, जिनको हम आध्यात्मिक गुरु बनाते हैं, उनका कार्य सिर्फ हमें ज्ञान देना है और हमें अज्ञानता से बाहर निकालना है, अंधेरे से बाहर निकालना है। तो हमें भी गुरु के पास इसी उद्देश्य से जाना चाहिए, ना कि गुरु महाराज हमारा बिजनेस में घाटा हो गया, गुरु महाराज बेटी की शादी नहीं हो रही है, गुरु महाराज आशीर्वाद दीजिए मेरा नया घर बन जाए। ये सब कार्य के लिए आध्यात्मिक गुरु नहीं होते हैं, ये सब अलग डिपार्टमेंट है, और इसके लिए ऐसे डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए जो कार्य कराने हैं हमें। इसीलिए गुरु के पास हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए।
यही गुरु का कर्तव्य है और यही शिष्य का भी कर्तव्य होना चाहिए। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे वो हम देखते हैं। ओम अज्ञान बहुत साधारण शब्द है। तिमिर अंधस्य, तिमिर अंधस्य, तिमिर का र अंधस्य का अ दोनों मिलकर के हो गया तिमिरांधस्य, तिमिरांधस्य, ठीक है, तिमिर अंधस्य, तिमिरांधस्य। फिर ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान का न अंजन का अ दोनों मिल गया, हो गया ज्ञानांजन शलाकया। तीन शब्द यहाँ जुड़ गए, तीन शब्दों का संधि हो गया और ये शब्द बड़ा हो गया ज्ञानांजन शलाकया। बोलते समय हम इसको विच्छेद करके बोल सकते हैं। उसी प्रकार चक्षु ऊन मिलितम, चक्षु उसके बाद ऊन मिलितम, दोनों जब मिले तो वहाँ र पैदा हो गया, रेफ जिसको कहते हैं, चक्षुर ऊन मिलितम, चक्षुर ऊन मिलितम। यहाँ पे इस जगह नहीं दिया गया है तो फोटो में आपको नहीं आया होगा, पर यहाँ पे र नीचे लिखा है चक्षुर ऊन मिलितम। अगर हम रेफ देके बनाएंगे तो ऊपर रेफ जाएगा नीचे उ आएगा, पर यहाँ पे दोनों मिल गया और क्या हो गया चक्षुरू, चक्षुरून मिलितम। बोलते समय आराम से बोलेंगे, ठीक है। ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये सारे शब्द बहुत छोटे छोटे और आसान हैं। जो हमारी क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं वो जब इसको याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे। ओम अज्ञान साधारण शब्द है, तिमिरा अंधस्य, तिमिर अंधस्य के बाद रुक सकते हैं छोटा पॉज लेके। फिर ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञानांजन शलाकया, क्योंकि राग में हम हमेशा सुनते हैं इसलिए इसको गाना राग में ही आसान होता है। फिर चक्षुर उन्मिलितम येन, स्मॉल पॉज, छोटा सा कोमा या अर्धविराम, तस्मै श्री गुरुवे नमः। दस दस बार आप उन सारे शब्दों को पढ़ेंगे जो आपको मुश्किल लग रहा है लगातार, जैसे तिमिरांधस्य 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 तिमिरांधस्य, ऐसे ज्ञानांजन 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 ज्ञानांजन, शलाकया, चक्षु ऊन्मिलितम चक्षुरून्मिलितम चक्षुरून्मिलितम चक्षुरून्मिलितम, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो हमारा क्लास यूट्यूब पर देख रहे हैं वो इस तरह से इन शब्दों को 10-10 बार रिपीट करेंगे अपने से, उसके बाद जब पढ़ेंगे तो श्लोक पढ़ने आ जाएगा, ठीक है। मैं अभी पढ़ के सुनाती हूँ। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरुवे नहीं गुरवे, तस्मै श्री गुरवे नमः, ध्यान रखिएगा गुरवे गुरवे, ठीक है। तो ये हमारा श्लोक हो गया। अब आप सारे भक्त जो यहाँ हैं वो प्रैक्टिस करिए।